हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना भाई यश चौधरी बहुत अच्छी वीडियो के साथ में। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका मुंबई, तो अब करते हैं मुंबई की गर्ल्स के ऊपर प्रैंक, फिर देखते हैं उनके क्या रिएक्शन मिलते हैं। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं वीडियो के बाद में, थैंक यू सो मच दोस्तों। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैंने कैब बुक किया हुआ है, तो बस उसी का वेट कर रही हूँ। आप कौन, आप क्यों पूछ रहे हो? नहीं यार, एक्चुअली मैं ना यहाँ पे नया आया हूँ, तो थोड़ी सी ना एक कन्फ्यूजन सी चल रही है। माई नेम इज़ यश, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, तो आप यहीं से मुंबई से ही हो? जी। अच्छा, लोकल हो यहाँ के? हाँ। हाय सिमरन, नाइस टू मीट यू। मिला लो यार, गंदा नहीं है मेरा, धोखे आया हूँ मैं। स्ट्रेंजर से बात नहीं करते क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो सुना था यार मुंबई वाले क्या ना बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं बात करने में, जिस मर्जी से बात कर लेते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है ना, तो मैंने कैब बुक किया हुआ है। ये मैं 2-3 मिनट ले लूँ आपके? कोई बात नहीं, आप चले जाना। कैब के आने में कितनी देर है? बस 5 मिनट है। 5 मिनट है यार, एक ना छोटी सी हेल्प चाहिए थी। मतलब मैंने, आई एम फ्रॉम दिल्ली, कोई दिक्कत तो नहीं दिल्ली वाले से बात करोगे आप? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना था मुंबई सपनों का शहर है, तो हम भी छोटे मोटे सपने लेकर यहाँ पे मुंबई आए हैं। तो मैं बताऊँ क्या यार, सुबह यहाँ पे लैंड किया है आज मैंने, तो मुझे ना कहीं रहने की कोई जगह वगैरह भी नहीं मिल रही, और मैंने देखा कि यार होटल वगैरह भी ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो जो कि मेरे बजट से ना आउट हो रहे हैं। और दूसरा पता है कि मतलब ऐसा कोई ना हेल्पफुल बंदा मिल नहीं रहा, कोई ना बिल्कुल जो सही सजेशन होता है ना कोई सजेशन दे नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, आपको क्या सजेशन चाहिए? जैसे कि जो होटल वो होते हैं ना ऑटो वाले, अगर मैं ऑटो वाले के पास भी जा रहा हूँ तो घुमाए जा रहे हैं, कोई यहाँ ले जा रहा है, कोई वहाँ ले जा रहा है, मतलब कोई परफेक्ट नहीं। आप सही एड्रेस दो तो आपको सही जगह ही पहुँचाएंगे। मतलब यार वो महंगे महंगे होटल्स में ले जा रहे हैं जहाँ पे उनका ऑलरेडी कमीशन सेट होता है, मतलब अपना किराया अलग बना रहे हैं। सुबह तो एक ऑटो वाले ने कम से कम मेरे से 250 रुपये का किराया बना लिया बिना मतलब के, एक ही जगह पे गोल गोल घुमा रहा था। मैं बार बार देख रहा नेविगेशन ऑन करके, मैंने कहा यार गोल गोल क्यों घुमा रहा है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला कोई सही बंदा नहीं मिल रहा मुझे कि जिससे मैं हेल्प ले सकूं। मैंने और भी बहुत सारे लोगों से पूछा, तो कोई कह रहा है ऐसे ले लो वहाँ ले लो। ठीक है बताइए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो परफेक्ट लोकेशन है, जैसे मान लो मेरे को ना जुहू बीच के आसपास रहना है, तो मैं इसीलिए जुहू बीच पे आया हूँ यहाँ पे। तो आसपास यहाँ पे कौन कौन से होटल्स वगैरह हैं? इधर बहुत सारे होटल्स हैं, चूँकि आपके मतलब बजट में। देखो मेरा बजट ये है कि मैं क्या कहते हैं 1000 से लेकर 2500 तक का मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, बट जो भी ले जाता है ना ऑटो, जो ऑटो वाला ले जाता है वो ले जाता है 3000, 4000, 5000। अभी भी पता है मैं अपना सामान ना एक जो ढाबे वाला है ना जहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाना खाया उसके पास ही रखा है। अच्छा ठीक है। और मैंने यार ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ किसी को, तो आप यहीं से हो, बस इतनी सी हेल्प चाहिए कि मतलब मुंबई में ना मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, अभी आज सुबह ही तो आया हूँ मैं यहाँ पे, तो कोई ऐसे ही कोई एज अ फ्रेंड मेरी कोई हेल्प कर सके। ठीक है, आप मुझे अपना फ्रेंड ही समझो, बताओ क्या हेल्प। तो पहले मैं ये चाहता हूँ कि कोई नंबर वगैरह मिल जाएगा मुझे आपका, ताकि मतलब देखो सबसे पहले बता आपको मेरे लिए क्या करना है। एक ना होटल अरेंज कराना है, अगर होटल अरेंज ना हो तो मेरे लिए क्या कोई अच्छी सी जगह जहाँ पर, जैसे आप अपने घर पर रख लो ना। क्या कुछ भी बोल रहे हो आप, मैं नंबर दे देती हूँ, मैं आपको और भी जगह मैं बता दूंगी जहाँ पे आप रुक सकते हो। ठीक है ओके, तो आप ले लो मेरा नंबर आप। ठीक, मतलब प्रॉपर हेल्प होती है ना, क्योंकि एक दोस्त नहीं है ना यार यहाँ पे, सो टाइप योर नंबर। बस आप बहुत अच्छे हो यार, नंबर जेन्युइन देना। कभी मुझे सुना है कि मुंबई के लोग चालाक भी बहुत होते हैं, कभी भगा दो आप मुझे। ऐसा कुछ नहीं, आप रिंग करके भी देख सकते हो। अच्छा रिंग करके देख लूँ? श्योर ओके। यार जेन्युइन है ये तो। क्या नाम बताया था आपने? सिमरन। सिमरन मैं सेव कर लेता हूँ ये नाम आपका। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप वैसे कैब आने वाली है अभी आपकी। हाँ, तो आप कहाँ पे जा रहे हो कैब से? मरीन ड्राइव। आप यहाँ काम करते हो या वहाँ रहते हो? नहीं मैं उधर ही रहती हूँ। हाँ तो यार मेरा ना मरीन ड्राइव देखी नहीं, और कोई दोस्त भी नहीं, तो मैं आपके साथ घूमने भी चल सकता हूँ। वैसे मैंने खाना भी नहीं खाया, आप चाहो तो मुझे खाना भी खिला सकते हो। चेप नहीं हो रहा हूँ मैं, मतलब बता रहा हूँ मैं, घूम भी लूँगा ना इसी बहाने, फिर आप मुझे 2-4 होटल भी दिखा देना। अब देखो मरीन ड्राइव आप रहते हो, तो अगर आपके पास से कोई होटल लूंगा तो अच्छा है ना, ताकि आप मुझसे मेरे हाई लो पूछ लो। ठीक है ठीक है। अच्छा बोले जा रहे हो। ठीक है चलो मेरे साथ। पक्का गुस्सा आ रहा है? नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा है। ठीक है चलें, चलो चल लेते हैं। वैसे आप इतने अच्छे क्यों हो? ठीक है अच्छे क्या है, हेल्प तो करनी चाहिए। वैसे थोड़ा बहुत गुस्सा तो आया होगा। अरे नहीं ऐसी कोई बात, अगर कुछ एक चीज़ और बताऊँ फिर गुस्सा आएगा? नहीं नहीं आप पूछ सकते हैं जो भी बोलना है। नहीं मैं बताना चाहता हूँ। बताइए। यार मैंने कहा था ना मैं मुंबई छोटे से सपने लेके आया हूँ अपना, तो मैं अपना सपना लेके आया था। माय नेम इज़ यश चौधरी, तो यूट्यूब पे फनी वीडियोज़ और प्रैंक शूट करते हैं हम,
तो आपके साथ ही वही कर रहा था मैं कैमरा इज देयर तो मतलब ये भी एक उसी का पार्ट था कोई मजाक करते हैं क्या? नहीं यार आप सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो तो मैंने देखा था कि यार मुंबई आके लड़के हेल्प करेंगे नहीं करेंगे बट आप जितनी खूबसूरत हो ना उतनी हेल्पफुल भी हो गॉड ऐसी कोई बात नहीं आप कोई बात नहीं यार ठीक है I'm so sorry अगर बुरा लगा हो तो नहीं नहीं कोई बात नहीं आप प्लीज मुझे अपने चैनल का नाम बताइए ना या यश चौधरी कोई दिक्कत तो नहीं है क्या ना अपलोड ऑन यूट्यूब बाकी यू आर द ओनली वन जो मुंबई में मेरी पहली दोस्त है तो परमिशन मिल गई है कोई दिक्कत तो नहीं डाल दो ना नहीं कोई दिक्कत बाकी मरीन ड्राइव घुमाओगी अरे श्योर घुमाओगी खाना भी साथ में खाएंगे दोस्त बन गए हैं ना चलो ठीक है थैंक यू यार आप आई थिंक कैब आ गई है आपकी ओके बाय टेक केयर तो यार मुंबई के लोग काफी अच्छे होते हैं जैसे कि आपने देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार इनके साथ में मतलब नंबर भी एकदम दे दिया और हेल्प करने के लिए भी रेडी थी तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें दिल्ली में क्या होता था बहुत ज़्यादा मक्खन लगाना पड़ता था यहाँ बिल्कुल नहीं लगाना पड़ा यार सी मतलब क्या कहते हैं सी सो हेल्पफुल यार सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों